आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर अमित शाह ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि 15 साल से दोनों ने प्रदेश को विकास के मामले में पीछे कर दिया है। साथ में अमित शाह ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो न गुंडे बचेंगे न भ्रष्टाचारी बचेंगे। अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सपा बसपा पर बोला तीखा हमला। कहा चाचा भतीजे खा गए किसानों का पैसा। सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है यूपी का विकास। पहले सहारनपुर, फिर झांसी और अब सोनभद्र से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। बीजेपी हर हाल में यूपी में कमल को खिलाना चाहती है, इसलिए मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। बीजेपी अपने चुनावी परिवर्तन यात्रा के जरिए जाति समीकरण से लेकर सभी सियासी मुद्दों को लेकर भुनाने में लगी हुई है, इसलिए अमित शाह ने सोनभद्र के रेलवे ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए विकास का मुद्दा उठाते हुए सपा बसपा पर निशाना साधा और कहा कि यूपी को सपा बसपा की सरकार ने विकास के क्षेत्र में 15 साल पीछे कर दिया है। इसकी वजह से दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में यूपी के युवा टैक्सी चला रहे हैं। रोजगार के लिए हमारा युवा संघर्ष कर रहा है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सोनभद्र की इतनी बड़ी सभा में अगर कोई बहाली के लिए इश्तेहार निकलता है और आपने अर्जी कर दी, आपको नौकरी मिलने वाली है, बताइए भैया सपा के राज में मिलेगी? मित्रों, हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जहां दुनिया भर से उद्योग धंधा आए, करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ के युवा को यहीं पर रोजगारी देने का काम करे, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश बनाना। इस मौके पर अमित शाह ने किसानों का भी मुद्दा उठाया और प्रदेश के किसानों की बदहाली का ठीकरा भी अमित शाह ने सपा सरकार पर फोड़ा और कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए शानदार काम किया। पीएम किसानों के लिए सहायता भेजते हैं और लखनऊ में चाचा भतीजे किसानों का पैसा खा जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई, लेकिन यूपी में ये योजना नहीं शुरू हुई। सपा सरकार ने केंद्र की योजनाएं रोक रखी हैं। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को हर साल 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपया। आज मैं इस सार्वजनिक सभा से अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या आपके समर्थन वाली बसपा सपा की सरकार थी? बसपा सपा के समर्थन वाली यूपीए की सरकार थी, उससे 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने ज्यादा दिया, वो 2.5 लाख करोड़ रुपया 2.5 साल का, उसका हिसाब जरा यूपी की सरकार। अमित शाह ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। कहा कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो ना गुंडे बचेंगे ना भ्रष्टाचारी बचेंगे। मित्रों, बहन जी आएगी तो सपा के गुंडों को संभालेगी और सपा आएगी तो बहन जी के भ्रष्टाचारियों को संभालेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ना गुंडे बचेंगे ना भ्रष्टाचारी बचेंगे, यूपी के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आइए आपको बताते हैं कि परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी की क्या रणनीति है। पूर्वांचल में जहां बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में है, वहां पार्टी पूरी तरह समीकरण को साध रही है, जबकि पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण बीजेपी का मुख्य हथियार है। विकास का मुद्दा यूपी के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में आजमाया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ध्रुवीकरण से जुड़े किसी भी मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी जनता को लुभाने में जुटी है, इसलिए पार्टी ने त्रिस्तरीय रणनीति तैयार की है।
इस रणनीति में पूर्वांचल में जाति समीकरण, बुंदेलखंड में विकास का मुद्दा और पश्चिमी यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए यूपी में कमल खिल पाएगा या नहीं, और बीजेपी का यूपी में 14 साल का वनवास खत्म होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़।